पर्ची टैक्स नामंजूर। अवामी रिक्शा यूनियन का प्रेस क्लब के बाहर ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। रिक्शा ड्राइवरों ने सड़कों पर रिक्शे खड़े कर दिए। आईजी पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा। साडा हक एथे रख। पंजाब असेंबली के बाहर फार्मासिस्ट एसोसिएशन सराबा एहतजाज। कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने पर हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। चेयरिंग क्रॉस पर एहतजाज के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर। बिजली दो। समनाबाद, अरशद और गुलशन पंजाब कॉलोनी के मकीनों का शादरा मोड़ पर एहतजाज, नारेबाजी। हुकूमत से बिजली की फराहमी का मुतालबा। वजीर आला पंजाब का सूबे से करप्शन और अकरबा परवरी को जड़ से उखाड़ फेंकने का अजम। मेरिट के खिलाफ कोई इकदाम नहीं किया जाएगा। वजीर आला पंजाब उस्मान बुजदार से चीफ सेक्रेटरी यूसुफ नसीम खोखर की मुलाकात। इंतजामी अमूर और किफायत शारी के फरोग के हवाले से तबादला ख्याल। वजीर आला पंजाब ने जमीन पर बैठकर लोगों के मसाइल सुने। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही और चौधरी शुजात हुसैन से जहांगीर तरीन की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जहांगीर तरीन की स्पीकर बनने पर मुबारकबाद। जाति उम्रा में नवाज शरीफ से उनके वकील ख्वाजा हारिस की मुलाकात। शरीफ फैमिली से मुतालिक केसेस पर मुशावरत। नवाज शरीफ का नैब ऑफिस में शहबाज शरीफ से मुलाकात भी मुतवक्के। शहबाज शरीफ के मजीद रिमांड लेने की मुखालफत करेंगे। वकील नसीर भुट्टा की जाति उम्रा में मीडिया से गुफ्तगू। शहबाज शरीफ कौमी असेंबली इजलास में अपना रोना रोते रहे। साबिक हुकूमत ने सेहत के नाम पर जाली कार्ड दिए। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यासमिन राशिद की मीडिया से गुफ्तगू। सूबाई वजीर हाउसिंग मियां महमूद रशीद बोले, वजीर आजम इमरान खान ने मुल्क का मुआशी चैलेंज कबूल किया। अवाम के लिए थोड़ा सा मुश्किल वक्त है, अरबों रुपए के कर्जे उतारेंगे। जिमनी इलेक्शन तो नहीं जीत सके लेकिन NA 131 में तहरीक इंसाफ पहले से ज्यादा मजबूत हो गई। पोश इलाकों में टर्न आउट 17% निकला। हल्के में तरक्याती काम जारी रखेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हुमायूं अख्तर का खिताब। नाश्ता पॉइंट्स की चेकिंग। लक्ष्मी चौक अनारकली में मुख्तलिफ पॉइंट्स पर छापे। ना की सफाई पर बर्ड स्वीट्स का प्रोडक्शन यूनिट सील। तूबा रेस्टोरेंट्स मुन्ना दाल चने अलगनी नूरुल्ला बोंग पाए को जुर्माने। अनारकली में गोगा नकीबिया ताया लोधी कराची नाश्ता यासिर नाश्ता पॉइंट को जुर्माने किए गए। मुल्तान रोड पर इलेक्ट्रिक स्टोर की इमारत गिर गई। इमारत की बेसमेंट में खुदाई का काम हो रहा था। मुतासरा दुकान मालिक के इंदराज मुकदमा के लिए दरख्वास्त। प्लॉट मालिक ने मना करने के बावजूद खुदाई की, दरख्वास्त में मौकफ। बल्दिया उज़्मा का तजावुजात के खिलाफ क्रैकडाउन। इतवार बाजार इस्लामपुरा से तजावुजात हटा दी गई। अमले ने एक ट्रक सामान कब्जे में ले लिया। नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबा। जनूबी पंजाब के दो मजीद शहरों को नए पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे में शामिल करने का फैसला। डेरा गाजी खान और मुजफ्फरगढ़ भी मंसूबे में शामिल। हाउसिंग टास्क फोर्स का मुंतखब शहरों में साइट विजिट का फैसला। डबल सवारी डबल हेलमेट, औरत हो या मर्द पिछली सवारी को हेलमेट पहनना पड़ेगा। यकुम नवंबर से मोटरसाइकिल की डबल सवारी के लिए हेलमेट की पाबंदी पर अमल दरामद का आगाज। खवातीन पर भी पाबंदी का इतलाक होगा। डबल हेलमेट से परेशानी तो होगी लेकिन फिर आदत हो जाएगी। शहरी सब्जी मंडियों में महंगाई का तूफान। इतवार बाजार भी सस्ते ना रहे। मटर 200 रुपए, टींडे 100 रुपए, टमाटर और सब्ज मिर्च 80 रुपए, लहसुन 120 रुपए किलो फरोख होने लगे। रेट लिस्ट महज दिखावा। दुकानदार मनमाने दाम वसूल करने लगे। दालों और चिकन के बाद सब्जियां भी महंगी। क्या खाएं क्या पकाएं, शहरी महंगाई की दुहाई देने लगे। ब्रॉयलर गोश्त की कीमत में 3 रुपए फी किलो की कमी। दुकानों पर गोश्त 186 किलो पर फरोख। शहरियों का मुर्गी की कीमत कम करने का मुतालबा।
FIA का अलायंस ग्लोबल फार्मा कंपनी पर छापे का मामला। डायरेक्टर FIA पंजाब ने तहकीकात के लिए चार रुकनी टीम बना दी। टीम की सरबराही कायम मकाम डिप्टी डायरेक्टर खुरम यूसुफ करेंगे। जमात इस्लामी PP 160 के जेर एहतमाम तरबियती नशिस्त, पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान की भरपूर शिरकत। लियाकत बलोच का कहना है कि अहले क्यादत मुल्कों कौम और जमातों को तरक्की व इस्तेहकाम की राह पर गामजन कर देती है। गवर्नर हाउस की सैर को आने वालों के लिए शटल सर्विस शुरू, 5 कारें गवर्नर हाउस में दौड़ने लगी। बड़ों का किराया 100 रुपए जबकि बच्चों का किराया 70 रुपए मुकर्रर। शहरियों की बड़ी तादाद सैर के लिए उमड़ आई। नेशनल विमेन फुटबॉल चैंपियनशिप के मैच में झगड़ा, रॉयल ईगल गिलगित और वापडा की गर्ल्स टीमों के दरमियान लड़कों ने मैच रेफरी को पी डाला। मैच ऑफिशियल्स पर हमले का वाकया लाहौर कॉलेज फॉरमेन यूनिवर्सिटी में पेश आया। वाकये में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फुटबॉल फेडरेशन यूथ ओलंपिक्स में पहला मेडल जीतने का एजाज। कौमी रेसलर अनायतुल्ला की वतन वापसी, एयरपोर्ट पर वालेहाना इस्तकबाल। फूलों की पत्तियां निछावर, ढोल की थाप पर भंगड़े। रेसलर अनायतुल्ला का कहना है कि अगला हदफ 2020 का सीनियर ओलंपिक्स मेडल जीतना है। मालदीप की क्रिकेट टीम और जिमखाना क्रिकेट क्लब के माबेन प्रैक्टिस मैच। मालदीप की टीम का टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला। और मौसमी तब्दीली के साथ लिबास भी तब्दील, खवातीन ने नए मलबूसात की खरीदारी के लिए बाजारों का रुख कर लिया। डिजाइनर्स भी फैशन की दौड़ में पीछे ना रहे।